हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आप लोग के साथ हमेशा बजट फ्रेंडली क्राफ्ट लेकर आती हूँ, पर आज जो क्राफ्ट बनाएंगे वो तो बहुत ही कम खर्चे में बनके तैयार होगी। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इस तरह का वायर लिया है। ये बहुत ही आसानी से हमारे लोकल शॉप में मिल जाती है। सबसे पहले हम इस तार को इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस पर फेविकॉल लगाएंगे। फेविकॉल लगाने के बाद हम इसे न्यूज़पेपर या किसी भी पेज की हेल्प से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे स्टिक तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे ब्लैक कलर से कलर करूंगी और इसे सूखने के लिए रख दूंगी। जब मेरा ब्लैक कलर सूख जाएगा तब मैं इस पे गोल्डन मेटैलिक कलर से इसे कलर करूंगी। कलर करते समय ध्यान दें कि आपका जब एक कलर सूख जाए तभी उस पे कोई दूसरा कलर करें। मैंने इसे गोल्डन कलर से कलर कर लिया है और ये अच्छी तरह से सूख भी गया है। तो इसके बाद हम एक पेन लेंगे और उसे इस तरह से घुमाते हुए फोल्ड करेंगे। पेन पे रख के जब आप इस स्टिक को घुमाते हुए फोल्ड करेंगे तो देखिए, ये फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद हम एक चार्ट पेपर का टुकड़ा लेंगे और उस पर फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसे सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। हमने जितने स्टिक बनाए हैं उतने ही फ्लावर कट करेंगे। बड़ा फ्लावर कट करने के बाद हम छोटा फ्लावर भी कट करेंगे। तो जितना हमने बड़ा फ्लावर कट किया था उतना ही पीस हम छोटा फ्लावर भी कट करेंगे। अब हम इन सारे फ्लावर को कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन मेटैलिक कलर लिया है। इस पे प्रॉपर कलर आने के लिए मैंने इसे दो बार कलर किया है। आपका जब गोल्डन मेटैलिक कलर एक बार सूख जाए तभी आप इस पे दूसरा कोट करें। फ्लावर सूखने के बाद हम इसे सीजर की हेल्प से कट करेंगे और उसके बाद इस पे थोड़ा सा फेविकॉल लगा के एक पंखुड़ी को दूसरे पंखुड़ी पे रखते हुए चिपका लेंगे। छोटे वाले फ्लावर के बीच में अगर आपके पास मोती है तो आप उस पे चिपका लें और उसके बाद छोटे वाले फ्लावर को बड़े वाले फ्लावर पे रख के इसे अच्छी तरह से चिपका लें। तो देखिए, हमने इतने सारे फ्लावर तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो स्टिक तैयार किया है उस पे इस फ्लावर को ग्लू गन की हेल्प से चिपकाएंगे। देखिए, ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और इस फ्लावर को किसी भी पॉट में रख के आप इसे डेकोरेट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।